हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो शाम हो गया है, 4:30 हो गया है। दुकान तो खोल चुकी हूँ पर अभी अंदर का काम नहीं की हूँ। अंदर का काम अभी बाकी है, बर्तन धुलना, किचन पोछना। तो जा रही हूँ अब बर्तन धुलने, किचन पोछने जा रही हूँ, किचन पोछने, बर्तन धुलने। और आज ऐसा मौसम किया, धूप छाँ, थोड़ा सा बारिश भी हुआ, बस थोड़ा सा हल्का सा भगवान हुआ बारिश। पूरा अच्छे से बारिश होता तो क्या बात होता, थोड़ी गर्मी मिट जाती। इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी, और साड़ी पहनने का मन ही नहीं कर रहा है दोस्तों। वीडियो बनाने की वजह से साड़ी पहनती हूँ। तो इसी तरह मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। खाने में क्या बनाऊँ, आज खाने में कुछ भी बना दो, शायद भिंडी की सब्जी। हाँ भिंडी की सब्जी खा लूँ। तो आज शाम को जा रही हूँ भिंडी की सब्जी बनाने दोस्तों। मेरा बेटा को बहुत पसंद है। मम्मी इसके लिए जा रही हूँ भिंडी की सब्जी बनाने। हाँ मेरे को पसंद, तो खाना बना। हाँ जल्दी से खाना बना लेती हूँ क्योंकि शाम रात में टाइम नहीं मिलता है। थोड़ा सा गप सड़क्का करने में अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो हमको थोड़ा गप सड़क्का नहीं हो पाता है। मैं रह जाती हूँ खाना बनाने में ही रात में। कल नहीं थे हस्बैंड जी, तो रात में खाना बनाई थी दोस्तों। क्या ही बताऊँ, दुकान देखना पड़ता है ना दोस्तों, पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है ना दोस्तों। पेट चंडाल होता है ना दोस्तों तो हर चीज़ करवा के रख देता है दोस्तों। एक क्या ही बताऊँ दोस्तों, तो दुकान पे कल बैठी थी तो रात हो गया था दोस्तों बनाने में। तो मेरा बेटा कुछ खाया नहीं था, सो गया था मेरा लाला। तो उठा था तो बिस्किट खाया था। तुम बिस्किट खाए थे? नहीं, दूध चावल खाए थे। दूध की दाल चावल क्या खाए थे? मैं सो गई थी दोस्तों। इसको रात में भूख लगता है ना तो उठ के खाना स्टार्ट कर देता है दोस्तों। और ज़्यादातर रोटियां बना के खाता है, रोटी बनवा के खाता है। तो हम सो जाते हैं तो इसके पापा रोटी बना के खिलाते हैं मेरे छोटे बाबू को। नहीं बेटा, मैं बताऊँ तो मैंने आज सुबह को मैंने पूरी खाई क्योंकि मेरा कल वेट की वजह से मेरा घुट घुट करने लगा, पेट में तो मेरे को टट्टी आ गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्रेड नहीं खाऊंगा कल। तो आज ब्रेड बहुत बेकार चीज़ होता है, उसमें केमिकल मिला रहता है बेटा। ब्रेड ऐसे थोड़ी ना बनता है। नहीं मम्मी, ब्रेड के अंदर एक चीज डाला जाता है जो एक्सपायर हो जाता है ना, उसमें बैक्टीरिया हो जाता है। तो ब्रेड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए और बिस्किट भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर खाना चाहिए रोटी चावल दाल सब्जी, ये सब खाना चाहिए, समझे? दो सब्जी पसंद है अभी मेरे को बहुत बड़ा सिस्टम बना है तो मेरे को आलू की सब्जी भी पसंद आ जाएगी। आलू की भी सब्जी पसंद आ जाएगी। मम्मी आप सब्जी नहीं दी। मैं जा रही हूँ ना, भिंडी की सब्जी बनाऊंगी तेरे लिए और तुम खाना और सो जाना मोबाइल देखते देखते, ठीक? अभी तो पढ़ना भी तो है। अब रखें, बाय दोस्तों। मेरे लिए भी अभी मैं मेरे बेटे को भी लाइक शेयर कमेंट करिएगा, इसके ऊपर कमेंट करिएगा कैसा, मतलब बदमाशी करता है, चाटने वाला ज़्यादा चीज़ खाता है तो चाटने वाला ज़्यादा दिन नहीं खाना चाहिए। पर अब इसको समझ में आ रहा है दोस्तों कि चाटने वाला चीज़ खाने से ना पेट में गुड़गुड़ी होती है। अब समझ में आ रहा है ना? हाँ मम्मी क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि वैसे के लिए ऐसा फिर से पैसा ले लिया है दोस्तों, अजा के पास 5-star खाया है। आपसे गलती नहीं ना करोगे, खाओगे ज्यादा चटने वाला चीज नहीं ना खाओगे, पेट में गुड़गुड़ी होता है ना। हाँ अब बाय बाय दोस्तों, अब मेरी मम्मी के लिए बाय बाय। मम्मी अभी